फ्रेंड्स वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपको आगे लाइव वीडियो गाड़ी का भी दिखाया गया है, तो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा जरूर। फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का नीलामी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ्रेंड्स इतना जल्दी नीलामी का नोटिस कैसे जारी कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका 12/8/2022 से ओपनिंग डेट स्टार्ट है नीलामी का। तो फ्रेंड्स अगर आप सिवान डिस्ट्रिक्ट में नीलामी में भाग लेना चाहते हैं तो बिहार के आप किसी भी ज़िले से हैं वहाँ पे जा कर के नीलामी में भाग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ज़िले की नीलामी की नोटिफिकेशन जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के सभी ज़िले की नीलामी की नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीलामी की जो गाड़ी होता है थाने में, आप लोग वीडियो का एंड तक देखते रहिए, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी को देखने से पहले दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ये भी दिखा देंगे इसका प्राइस रेट कितना रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों होंडा सिटी कार जिसका कीमत मात्र 30,000 रुपया रखा गया है और ये गोरैया कोठी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ब्लोरो जीप है जिसका कीमत 55,000 रुपया रखा गया है, जो कि ये भी गोरैया कोठी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी गोरैया कोठी पुलिस स्टेशन होगा सिवान डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे जाकर के गाड़ी को देखना होगा, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सॉरी आप गाड़ी देख लीजिए पहले, इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मारुति अल्टो कार है जिसका कीमत मात्र 15,000 रुपया रखा गया है, जो कि ये भी गोरैया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों टाटा इंडिगो कार है जिसका कीमत 45,000 रुपया रखा गया है। और फ्रेंड्स यहां पे बाइक कार पिकअप ब्लोरो सभी प्रकार की गाड़ी आपको नीलामी में मिल जाएगा, जो कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस रेट कितना दिया गया है। और ये भी ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बिहार सरकार के द्वारा रेट तय किया गया है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा गाड़ी दिखा देते हैं नीलामी का कैसा होता है।